हेलो बच्चों, तो क्या नहीं भाई, आज कैरी मिलाटी वाला नहीं, कहीं कॉपीराइट ना लग जाए। ठीक है, टॉटा कोई डायलॉग नहीं भाई। ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा पार्ट, क्लास 10। सर आप क्लास 10 का बेटा कौन सा है? ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं ना हम। ट्रिग्नोमेट्री बेटा, जिसने पहला वीडियो ना देखा हो प्लीज तुरंत ही पहले में जाए और खटाक से उसे देख ले। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2, 10th क्लास का बेसिक पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री मैं बता चुका था आपको क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री एक मैथ्स की ब्रांच है जिसमें हमें 3 साइड को नापना होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री नाम से ही हमें पता चल रहा है ना। ट्राई गोनोमेट्री, ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब साइड, मेट्री मतलब मेजर। 3 साइडों को नापना है। किसकी साइडों को नापना है? राइट एंगल ट्रायंगल की। पिछले वीडियो की बात जल्दी जल्दी बता रहा हूं, पिछले में जाओ बड़े आराम से देख लो बेटा। ज्यादा लंबा भी नहीं बनाया, 20 मिनट का बनाया है। यहाँ पे हम आराम से सवाल कर लेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या बनी है? ट्रिग्नोमेट्री। मैंने बेटा उस दिन कुछ रिलेशन लिखवाए थे, चलो जल्दी जल्दी यहाँ पे फिर लिख देता हूँ। साइन थीटा क्या होता है बेटा? साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा किसका उल्टा होता है? कॉसेक थीटा का। कॉसेक थीटा, इस तरह बोलूं कॉसेक थीटा क्या होता है? तो तुम बोलते हो भैया साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक का उल्टा। पहली बात। दूसरी बात, मैंने बोला कॉस थीटा क्या होता है? 1/sec थीटा होता है बेटा। इसी तरह कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा 1/cos थीटा। इसी तरह मैं बोलूं अगर तुमसे टेन थीटा का बेटा क्या होता है, तो 1/cot थीटा, और कॉट थीटा का पूछू क्या होता है, तो 1/tan। ये रिलेशन पता है तुम्हें? ठीक है, मिटाता हूं। पहले वीडियो की बात है, इसने ना देखा हो जल्दी जल्दी समझ ले, पहले देख ले जा। एक और बात बताई थी बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पहला वाला क्या होता है? साइन। दूसरा वाला क्या होता है? कॉस। और तीसरा वाला क्या होता है? टेन। इससे हमें यह पता चलता है बेटा कि साइन थीटा होता है P/H। ये P और H क्या है? तो P होता है परपेंडिकुलर और H होता है हाइपोटेन्यूज। अब किसी को अगर लग रहा हो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज भी क्या होते हैं बेटा, तो पिछले वीडियो मैंने बता रखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है ना, उसकी ये वाली साइड को कहते हैं बेस, और जो साइड स्ट्रेट खड़ी रहती है 90 डिग्री के साथ उसे कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो ये रहती है इन दोनों को मोड़ने वाली झुकी हुई वो होती है हाइपोटेन्यूज। और ट्रिग्नोमेट्री इसी ट्रायंगल में लगना है, इसलिए हम इसी चीज पढ़ रहे हैं। साइन थीटा होता है P/H, ऐसे ही बीच वाला क्या होता है बेटा? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? P/H। B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेन्यूज। तीसरा क्या था? टेन थीटा। P/B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी का उल्टा बेटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो P/H है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? H/P मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा B/H है, तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा? H/B। इसी तरह अगर मैं बोलू टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है बेटा? कॉट थीटा। और ये P/B, तो कॉट थीटा क्या? B/B। ये बात थी हिंदी मीडियम वाले से क्या कहते हैं, लाल बटे कक्का। जैसे कि वहां पे P मतलब परपेंडिकुलर होता था, यहाँ पे L मतलब लंब होता है, वही बात है, बस हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ते हैं। वहां पे B मतलब बेस होता था, यहाँ A मतलब आधार होता है, और वहां पे H मतलब हाइपोटेन्यूज होता था, यहाँ पे कर्ण होता है। तो इंग्लिश मीडियम वाले याद रखते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और हिंदी मीडियम वाले बात याद रखते हैं लाल बटे कक्का। अभी देखो बेटा करके देखते हैं सवाल, समझ आ जाएगा ये सब क्या बातें हैं। बस तुम्हें इतनी चीजें याद करना है, और मैंने बता रखा है साइन कॉस टेन ये सब चीजें जो होती है क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर कोई तुमसे बोले त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, तुम सीधा बताओगे वही 6, साइन कॉस टेन, और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। यही 6 क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। और हमारी पहली एक्सरसाइज है बेटा, सभी बोर्ड को पढ़ा रहा हूँ, पता है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम हर टाइप के बोर्ड चल रहे हैं, तो आप लोगों को पता ही है मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को लेके चल रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ समझ भी रहा हूँ। अब मैं इसके बेटा सीधा क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। NCERT जो पढ़ रहा है वो 8.1 बोलेगा, जो ICSE पढ़ रहा है उसमें बाद में 8.9, 10 में शायद 13 और 18 चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, 13 नंबर चैप्टर शायद एम एल अग्रवाल का, तो वो अपना पढ़े। ठीक है, सब यहीं से स्टार्ट है।
तो पहला टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये बेसिक है बेटा, तुम्हें पता है ना सबके लिए, कि ये तो स्टार्टिंग है ना ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। अब मैं इसे बताता हूं बेटा, देखो कैसे लगाया जाता है। अगर मैंने बोला ये तुम्हारी चार है, ये तुम्हारी पांच है, ये तुम्हारी चार है, तो मैंने बोला इसमें तुम मुझे बताओ बेटा, अब समझना मेरी बात को, ठीक है ना। मैंने एक तुमको दे दिया, ये पांच है और ये चार है और ये मान लो आठ। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे भैया तो आप गलत बता रहे हो, मान लो एक बार बेटा, अभी मैं वो नहीं उतारा पाइथागोरस, मान लो इस बार। और मैंने तुमसे बोला कि बताओ बेटा साइन थीटा क्या होता है, तुमने बोला भैया ये 90 डिग्री का कोण है, ये सवाल मैंने दिया है, मैंने बताओ ये क्या होता है साइन थीटा। तुम बोलोगे भैया साइन थीटा पाकिस्तान भूखा प्यासा, माइंड में लिख लो भैया, पहला वाला साइन का होता है, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। ए बी की वैल्यू क्या है 5, एसी की वैल्यू क्या है 8, मतलब साइन थीटा 5/8, ये साइन थीटा है। मुझसे किसी ने बोला भाई ये फिगर दिया है कॉस थीटा बताओ क्या होगा, कॉस थीटा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बीच वाला होता है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बीच वाला क्या होता है कॉस, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। कॉस क्या है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइट, बेस क्या है बेटा बीसी, ये बेस होता है ना, और ये क्या है बेटा हाइपोटेन्यूज, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है 8। बात समझ आई, बेस क्या है तुम्हारा बीसी, और बीसी क्या है तुम्हारा 4, और ये क्या है 8, काट दो। समझ रहे हो ना बात को, और देखो मैंने तुमसे बोला इन दिस गिवन फिगर फाइंड ऑल एक फिगर तुम्हें दिया हुआ है और इसमें बेटा तीनों की साइड दे रखी है, मान लो ये दे रखा है 5 और ये दे रखा है 4 और ये दे रखा है, डरना नहीं है तुम्हें, और तुमने इनने बोला फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऐसे सवाल लिख के आते हैं ना बुक में कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तुम समझ गए उनने क्या बोला है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब तुम्हें सब चीज फाइंड करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, तुम्हें सब फाइंड करना है इस फिगर से, ठीक है ना, इस फिगर में पूरे रेशियो फाइंड करो। चलो करता हूं, साइन थीटा माइंड में, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा बड़ा, हिंदी में लाल बटे कक्का। साइन क्या होता है, पहला वाला पी अपॉन एच, हिंदी में एल अपॉन के, वही चीज है हिंदी इंग्लिश। चलो परपेंडिकुलर क्या है 5, हाइपोटेन्यूज क्या है अंडर रूट 41, हिंदी में देखो तो लंब क्या है 5, कर्ण क्या है अंडर रूट 41, ये हो गया साइन थीटा। अब आया कॉस थीटा, कॉस क्या होता है बेटा बीच वाला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, याद कैसे रखोगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हिंदी में बीच वाला होता है ना कॉस, आधार बटे कर्ण।
बेस क्या है चार, कर्ण क्या है अंडर रूट टेन थीटा, क्या होता है लास्ट वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी में लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर क्या है पांच, आधार क्या है चार, आंसर। अब तुमने बोला भैया साइन, अब क्या बचा कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, साइन क्या निकला पांच बटे इकतालीस, तो इसका उल्टा कर दो ये क्या निकलेगा सीधा, पहला सेक थीटा, तुमने बोला सेक कॉस का उल्टा होता है कॉस क्या निकला है चार बटे अंडर रूट इकतालीस, उल्टा कर दो अंडर रूट इकतालीस बटे चार। इसी तरह मैं बोलता हूं कि क्या बोलते हैं कॉट थीटा क्या निकला, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है टेन का, टेन क्या है पांच बटे चार, तो ये क्या होगा समझ आई ये बात, कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या बोलेगा दिए हुए चित्र से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ, त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे ही बताए त्रिकोणमितीय अनुपात है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करो, तुम्हें समझ जाना वही साइन कॉस टेन वही छह होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है आओ और आते हैं भैया इजी है देखते जाओ। अब मैं तुम्हें एक फिगर देता हूं बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाऊंगा ना क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सेम लगती है ना, बता चुका हूं नाम दे रहा हूं ए बी सी छह पांच, मैंने बोला इसमें मुझे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक, चलो हिंदी में लिख रहा हूं सभी त्रिकोण मितीय अनुपात ज्ञात करो, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उठा लो बेटा कॉपी किताब उठा लो यार, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढना है, कुछ लड़कों को अभी भी नहीं समझ आ रहा, बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें क्या खोजना है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन सी चिड़िया का नाम है तुम्हें पता है ना, ये छह है साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट, यही छह हमें फाइंड करना है, ठीक है उनने केवल इतनी बात बताई है और बोल दिया सभी त्रिकोणमितीय अनुपात खोज लो, तो कोई बड़ी बात है कि हटाओ मैं खोज लेता हूं, लो साइन थीटा कैसे खोजूंगा भैया, साइन थीटा पाकिस्तान भूखा प्यासा लिख लें, लिख लो माइंड में पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा लाल बटे कक्का, चलो पहला वाला साइन होता है साइन में ये पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हिंदी में इसे क्या कह रहे हैं पहला वाला साइन होता है ना लंब बटे कर्ण, ठीक है लंब क्या है बेटा जो 90 डिग्री के साथ खड़ा रहता है 90 डिग्री है ये छह, कर्ण क्या है कर्ण क्या है भैया, कर्ण तो दिया ही नहीं आपने, तो बेटा कर्ण क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा, नहीं तो तुम तो अटक जाओगे, लो कर्ण की जगह तुम केवल क्या लिख पाओगे एसी, एसी की तो वैल्यू नहीं है, तुम ना साइन नहीं निकाल पाए, मैंने बोला कॉस निकालता हूं, चलो कॉस क्या होता है बीच वाला बी अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइट, बेस क्या होता है ये हाइट क्या होती है ये सॉरी यार एच हाइपोटेन्यूज है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है पांच और हाइपोटेन्यूज, अरे बाप रे पता ही नहीं है फिर से नहीं पता, मतलब कॉस भी नहीं फाइंड हो पाया, टेन देखूं लास्ट वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी में लंब बटे आधार, लंब क्या होता है सीधा वाला जो 90 डिग्री से खड़ा रहता है, परपेंडिकुलर लंब क्या है छह, आधार नीचे वाला इस पे ट्रायंगल खड़ा है पांच, ये निकल गया, लेकिन ये दोनों नहीं निकले, ये दोनों तब तक नहीं निकल सकते हैं बेटा जब तक मुझे क्या नहीं मिल रहा है हाइपोटेन्यूज, मतलब तो मुझे कर्ण नहीं मिल रहा है, तो अब तुमको एक बात बता देता हूं चलते हैं किसकी तरफ बेटा पाइथागोरस, किसकी तरफ क्लास सेवेंथ के लिए पाइथागोरस का एक अलग से लेक्चर भी है वीडियो,
लेकिन वो हटाओ, मैं यहां फिर से बता रहा हूं, हमें पाइथागोरस थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है, हिंदी में थ्योरम को प्रमेय कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय एक ऐसी प्रमेय है जिससे हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की कोई भी साइड फाइंड कर सकते हैं। मेनली ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए बनी थी थ्योरम। तो मैं बता देता हूँ क्या है फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम भी केवल किसके लिए है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, मतलब कि 90 डिग्री वाले समकोण त्रिभुज के लिए, और ट्रिग्नोमेट्री भी क्या है समकोण त्रिभुज के लिए। ये मेथड समकोण त्रिभुज में हाइपोटेन्यूज कर्ण निकालने का काम आता है। कैसे, देखो इसमें मुझे कर्ण निकालना है, मैं सब मिटा रहा हूं चीजों, क्योंकि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तब तक नहीं ढूंढ सकता हूं जब तक मेरे पास तीनों साइड ना हो। आई मैं बुक भी लगवाऊंगा एक एक एक्सरसाइज का, एक एक सवाल समझाते हुए, लेकिन बेसिक सब यहां से क्लियर कर लो बेटा। बुक के सवाल नेक्स्ट वीडियो में ले आऊंगा, यहां सब बेसिक क्लियर करो। मैंने 6 दे रखा था ना, ये 6 है और ये क्या है बेटा 5, क्या करें, चलो कुछ तो करते ही हैं। तो अब मुझे क्या निकालना है, कर्ण, क्या निकालना है मुझे कर्ण। तो देखो बेटा एक पाइथागोरस प्रमेय ये है, पहले इंग्लिश में लिख रहा हूं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हिंदी में इसे अगर मैं लिखाऊं तो कर्ण का स्क्वायर बेटा, कर्ण मतलब कर्ण निकालना है, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का, ऐसे कर्ण निकल आएगा। चलो निकालूं आपके सामने, लंब कर्ण निकालना है, कर्ण को ऐसे ही छोड़ा, आधार क्या दे रखा है 5 ये रखा, लंब क्या दे रखा है 6। कर्ण स्क्वायर बराबर 5 × 25 25, 5 × 2 = 10 नहीं, 5 को दो बार खोल रहे हैं, वर्ग हो रहा है स्क्वायर, 5×5 = 25, 6×6 = 36। चलो क्या आया, कर्ण स्क्वायर 25 और 36, 6×5 = 11, 3×5 = 6। यहां से कर्ण बराबर बेटा स्क्वायर है, वर्ग हटेगा तो यहां क्या बढ़ेगा, आ गया कर्ण का मान था इजी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने में कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं, तो सब निकल आएंगे। चलो निकालता हूं, साइन थीटा क्या होता है, अब तो याद हो गया होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान, हरा भरा पाकिस्तान और नीचे हिंदुस्तान, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर क्या है 6, हाइपोटेन्यूज क्या है अंडर रूट 61। आंसर ये आ गया मेरा साइन थीटा, एक त्रिकोणमिति अनुपात, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया। दूसरा कॉस थीटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, बीच वाला होता है ना, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा पहले बेस, हिंदुस्तान में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है बेटा ये वाली नीचे वाली 5, हाइपोटेन्यूज क्या अंडर रूट 61। टेन निकालना है, टेन थीटा क्या होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, लास्ट में पाकिस्तान भूखा प्यासा, लास्ट में प्यासा आया, हिंदुस्तान हरा भरा, लास्ट में भरा आया, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या 6, बेस क्या 5। ये तीन मिल गए थे, इनके उल्टे तो तुरंत मिल जाएंगे, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन अगर 6 अपॉन अंडर रूट 61 है तो कॉसेक इसका उल्टा कर दो, अंडर रूट 61 ऊपर 6, समझ आई बात। इस तरह कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, 5 अपॉन अंडर रूट 61 उल्टा कर दो, इस तरह टेन का उल्टा क्या होता है बेटा कॉट, कॉट बोलू तो प्रणाली का रहने देता हूं, 6 × 5 = 5, सब फाइंड हो गए, बताओ क्या दिक्कत थी, एक और सवाल बोलू ऐसा ही, समझ आ रही है ना बातें बेटा, भी एक्सरसाइज में बेसिक क्लियर करो, मजबूत होना है, हम चीजें कैसे कर रहे हैं एकदम जड़ से, मुझे बुके नहीं रटवाना है, रट्टू तोता नहीं बनवाना है, काबिल बनाना है, समझे। हाँ सर समझ रहे हैं।
अरे यार मौज मस्ती करो बे, काहे का टेंशन है। हाँ इतनी हार्ड नहीं कितना सोच रहे हो पढ़ाई। चलो इसके बाद बेटा क्या स्टार्ट कर रहा हूं मैं, फिर से एक सवाल दे रहा हूं। मैंने ये दिया 9, ये दिया 6 और मैंने, चलो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बताओ इसके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड कर सकते हो। तुमने क्वेश्चन देखते ही समझ लिया भैया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब ये फाइंड करना है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। ये सुनते ही सभी ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब 6 होते हैं। साइन थीटा फाइंड करने के लिए तुम्हें पता है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पी अपॉन एच, लाल बटे कक्का से लम बटे कर्ण, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन। परपेंडिकुलर क्या होती है बेटा, जो लाइन 90 डिग्री के साथ खड़ी रहे, ये खड़ी है ये 6। बेस क्या होता है जिस पे ट्रायंगल खड़ा है, नीचे वाला बेस। यहां कुछ नहीं है मतलब कि मैं साइन थीटा नहीं खोज सकता, कॉस थीटा नहीं खोज सकता, मतलब मुझे पहले इस ट्रायंगल की क्या है तीनों साइड निकालना। मतलब तुम इतने क्वेश्चन से ये बात समझ गए होगे, सबसे पहले मुझे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या निकालना है, राइट ट्रायंगल की तीनों साइडें। जैसे पहले इसमें तीनों साइड निकालता हूं और फिर इस क्वेश्चन को करता हूं। देखो बेटा निकालना राइट एंगल ट्रायंगल है, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, कोई भी साइड निकल आएगी। चलो लगाता हूं, हाइपोटेन्यूज बार बार नहीं लिख रहा हूं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर। अरे इसको यहां भी लिख सकते हो, इसको यहां भी, प्लस में है कोई दिक्कत नहीं। चलो हाइपोटेन्यूज दे रखी है यहां पे, कितना दे रखा है 9, हाइपोटेन्यूज के लिए 9 रखा, बेस दे रखा है नहीं, परपेंडिकुलर दे रखा है हाँ ठीक है। 9 को दो बार खोलो, 9 9 81, 9 9 81, बेस नहीं दिया इसी को तो निकालना है, आधार ही निकाल रहा हूं ना, 6 का 6 6 36। अब क्या होगा बेटा, बेस को यही छोड़ू, 36 यहां ले जाऊं, 81 बेटा पक्षांतर, इसका ही वीडियो बनाया बेसिक, बेस को यही छोड़ रहा हूं इसको यहां ले जा रहा हूं, तो प्लस का 36 यहां के माइनस 36 बराबर के बाद बेस वही है, 81 में 36 गए। बताओ ये कितने बचे, 45, कितने बचे बेटा 45, स्क्वायर हटा मतलब बेस निकल आया तुम्हारा अंडर रूट, क्या निकल आया अंडर रूट। अब क्या दिक्कत है बताओ, सब निकल आया, अब निकाल लोगे बड़े आराम से। हाँ भैया निकाल लेंगे पक्का, कमेंट्स में पूरा आंसर दे देना इसको, भैया निकल आया तो साइन थीटा तुम्हें पाकिस्तान भूखा पैसा लाल पटे कक्का देख के निकालना है, निकल आया। अब और टाइप देखो, ये सब तुम्हें मिल जाएंगे एक्सरसाइज में अपनी, चाहे जो बोर्ड के हो। चलो मैंने अब तुमसे बोला कॉस थीटा, क्वेश्चन है देखो, कॉस थीटा बराबर तीन बटे बारह, चलो कंफ्यूज लड़के। अब की मैंने ना तुम्हें ट्रायंगल दिया, अभी तक मैं तुम्हें हर सवाल में बकायदा ट्रायंगल दे रहा था, किसी में तो तीनों साइड दे दिया तो बड़े हलुआ था निकाल लिया, किसी में दो साइड दिया तो तुमने बोल दिया भैया चाहे जितना उड़ लो आप, हमको तो पता है राइट एंगल ट्रायंगल में उठा लाएंगे पाइथागोरस को, खींच लाएंगे जहां भी होगा बेचारा इस समय,
उनको फट से लगा देंगे। ठीक है, लगा दिया हमने पाइथागोरस लगा के, हम तीसरी साइड निकाल लेंगे, फिर से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बड़े आराम से निकाल देंगे, क्योंकि हमें पाकिस्तान भूख का पैसा और हिंदुस्तान हरा भरा वाला रिलेशन याद है भैया। ठीक है, अब मैंने सवाल यार ऐसा दे दिया कि कॉस थीटा बराबर 5/12 और मैंने बोल दिया सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक, अब तुम कंफ्यूज। तो बेटा ये भी उनने एक चित्र ही दिया है। अरे नहीं भैया, कहे आप बकवास कर रहे हो, ये कौन सा चित्र है? साला कोई चित्र दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, क्यों? कॉस थीटा क्या होता है? चलो बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, घूम मत जोड़ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूरे इसी से हल होते हैं। 5/12 भैया बीच वाला कॉस होता है, मतलब कॉस थीटा होता है भैया बी अपॉन एच, मतलब भैया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब भैया आधार बटे कर्ण। तो मतलब जो ये दिया है, ये ऊपर वाला कॉस का क्या होता है? बेस, मतलब ये दिया है बेस, मतलब ये दिया है आधार, और नीचे वाला होता है हाइपोटेन्यूस कर्ण, नीचे वाला दिया है हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण। अरे बाप रे, तो हाँ यार ये तो ट्रायंगल था, ये देखो बेस, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया। बेस कॉस थीटा क्या होता है? बी अपॉन एच, मतलब ये भी क्या है बेटा? बी अपॉन एच। ऊपर वाला क्या होता है कॉस थीटा? बेस, मतलब कुछ भी जो कॉस थीटा दिया है तो उसका ऊपर वाला भी क्या होगा? बेस। बेस कॉस थीटा ये होता है नीचे वाला हाइपोटेन्यूज, जो भी नीचे दिया है। अब सब निकालने, कॉस थीटा दिया है, बोला है सभी निकालो, मतलब मुझे क्या निकालने है? साइन थीटा, कॉस थीटा तो दिया है, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, इतनी चीजें निकालनी है मुझे। एक उसने दे रखा है, मुझे रिलेशन मिल गया, ये मुझे बना दिख गया, हाँ दिख गया, क्या करूंगा बेटा? सीधी सीधी बात पता है तुम्हें, तीसरी साइड निकाल लेंगे भैया और सब त्रिकोणमितीय अनुपात खोज लेंगे। लगवा दूं? लगवा, बात समझ आई ना? उनने जो इस तरह की बात दी, ये भी क्या है? एक चित्र ही है, वो बता रहे हैं कॉस थीटा से, तुम्हें पता है? क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है? ऊपर वाला क्या होता है? बी, और नीचे वाला क्या होता है? एच, मतलब कॉस थीटा जो भी दिया हो, जो भी ऊपर है अंश में, जो भी न्यूमरेटर में, वो बेस है, और जो भी है वो क्या है? हाइपोटेन्यूस। ये चित्र बना लिया इस आधार पे मैंने। अब तुमने बोला चलो इस चित्र को यहां बना लेता हूं, इसका मतलब क्या था? इस क्वेश्चन का मतलब ये चित्र था ना, कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, या लिटरेशन पाकिस्तान में होता पैसा, ये बेस 5/12। चलो मुझको ये वाली साइड की जरूरत है, क्या है? परपेंडिकुलर। चलो खोजता हूं, लगाता हूं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का बेटा स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज दे रखी है हाँ 12, बेस दे रखा है हाँ, परपेंडिकुलर नहीं, इसी को ढूंढना है। 12 को दो बार खोलो 144, 5 का स्क्वायर कराओ 25, प्लस यहाँ क्या बचा? परपेंडिकुलर 144 ये लिखा, ये प्लस का यहाँ के माइनस का, तो यहाँ क्या बचा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर 144 में 25 घटाओ 14 बन गया, 14 में 5 गए 9, 3 में 2 गए 1, 119, तो ये आया 119 बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। स्क्वायर हटाया, अंडर रूट बढ़ा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट 11। समझ आई ना बात? ये आ गई। अब क्या ढूंढना है तुम्हें? साइन थीटा लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब मैं ऐसे ही बता रहा हूं, परपेंडिकुलर क्या है ये, हाइपोटेन्यूस क्या है, टेन खोजना है लास्ट वाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर
अपॉन बेस। और सब ऐसे ही समझ आई बात। अब देखो इसी में एक और सवाल है, क्वेश्चन समझो हिंदी में बेटा, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। साइन दे रखा है और क्या बोल रखा है उनने, ये बात दे रखी है, उनने बोला है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। अब तुम फिर परेशान कि भैया मुझे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढना है, साइन तो दे रखा है, चलो क्या ढूंढना है, कॉस टैन कॉसेक सेक। भैया ना चित्र है ना परपेंडिकुलर है ना कुछ है बेटा, सब है। गौर से देखो, इस नौ को मैं नीचे ला सकता हूं, हाँ खत्म, कस दियो लग गवा, समझ आ गया क्या था, कुछ नहीं भैया, नौ यहां गुड़े में था यहां के भाग में हो गया, और तुम्हें जैसे ही मिला तुम्हें पता है साइन थीटा क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा में पी अपॉन एच, मतलब कि साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, जो ऊपर वाला है वो परपेंडिकुलर है और नीचे वाला है वो हाइपोटेन्यूज है, चित्र बनाओ। ऊपर वाला परपेंडिकुलर कितना दिया है दो, हाइपोटेन्यूज कितना दिया है नौ, बस बना लो नाम दे दो अपने से ए बी सी। अब क्या दिक्कत है, कॉस थीटा निकल आएगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तुम्हें बेस निकालना है पहले, और मुझे पता है कि राइट ट्रायंगल जब भी हम समकोण त्रिभुज की कोई भी भुजा निकालते हैं तो किसे पकड़ लाते हैं, पाइथागोरस को, पाइथागोरस प्रमेय से कौन सी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, लिख देता हूं बेस प्लस परपेंडिकुलर का क्या है बेटा स्क्वायर, यहां पर हाइपोटेन्यूज दी है, बेस ढूंढना है, परपेंडिकुलर दी है तो नौ को खोलोगे 81, इसे ऐसे ही छोड़ो, इसे खोलो 4, 81 को यहाँ 4 लाओ, माइनस का हो गया ये बेस स्क्वायर, 81 में 4 गए 77, बेस का स्क्वायर, स्क्वायर हटाए अंडर रूट 77, ये क्या आ गया अंडर रूट 77, लगा दो सब में निकाल लो, समझ आई बात, बेस्ट ठीक है बेटा। और टाइप के सवाल है अगले वीडियो में बुकों के साथ, बुकों के सवाल के साथ, ठीक है मस्ती चिल, और फिर से आप लोगों को राधे राधे, बाय टाटा, चिल चिल।